लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, इसकी दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। चूंकि ये हमने पढ़े हुए हम लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए वो लोग भी जो इसको भूल गए हैं उनके लिए हम पहला वाला न्यूमेरिकल जो करवा दिए थे उसे नहीं करवा रहे, लेकिन ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले में फार्मूले का डेरिवेशन हम करवा दे रहे हैं एक बार फिर से। हो सकता है कि लॉन्ग आंसर, चूंकि अब शायद एक ही लॉन्ग आंसर करना हो इस कंडीशन में, तो हो सकता है कि यही पूछ लिया जाए, तो इसे हम एक बार दोबारा करवा दे रहे हैं और जो पहला न्यूमेरिकल करवाए हुए थे कॉपी में उसको छोड़ करके फिर नए न्यूमेरिकल ले ले रहे हैं। अभी हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, जिन लोगों को पुराना याद हो वो लोग वीडियो को रोक करके आगे बढ़ जाएंगे और न्यूमेरिकल वाले हिस्से से देख लेंगे। फिलहाल अभी हम बाकी सारे लोगों के लिए लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला इनिशियल स्टेज से करा रहे हैं, यानी इसका पूरा डेरिवेशन हम दे दे रहे हैं। इसमें लिखना लेट एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, मतलब जिस वक्त आर्गुमेंट एक्स जीरो है उस वक्त हमारे लिए जो आउटपुट आ रहा है वो वाई जीरो है। जब हम किसी दिए गए फंक्शन में एक्स जीरो पुट करते हैं तो उस वक्त हमको जो मिलता है वो आउटकम्स कितना है, वाई जीरो है। तो आर्गुमेंट एक्स जीरो पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो वाई जीरो हम मान के चल रहे हैं। फिर अगला लिखना, इसी तरीके से माना जब आर्गुमेंट एक्स वन होगा उस वक्त एंट्री जो होगी वो वाई वन होगी, एक्स टू पर वाई टू होगी, और इस तरीके से ऑनवर्ड चलते हुए मान लिया हमको टोटल एन प्लस वन एंट्रीज दी जाती हैं। एन प्लस वन एंट्रीज अगर दी जा रही हैं तो सोचो पहले एक्स जीरो पर वाई जीरो, एक्स वन पर वाई वन, एक्स टू पर वाई टू, और इस तरीके से चलते हुए एक्स एन पर जो एंट्री मिलेगी वो है वाई टू, ये हमें दिया गया है। ठीक, बी द एन प्लस वन पेयर, बी द एन प्लस वन पेयर, n plus 1 pairs of arguments and entries। कहा जा रहा है कि माना हमें टोटल n plus 1 पेयर दिए गए हैं और ये पेयर बन रहे हैं आर्गुमेंट से और एंट्रीज से, यानी जिस वक्त आर्गुमेंट x i पढ़ रहा है उस वक्त जो एंट्री हमको मिल रही है वो i y i मिल रही है। ठीक, बी द एन प्लस वन पेयर्स ऑफ आर्गुमेंट एंड एंट्रीज, ठीक, करेस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन, और ये सब कुछ किसी एक फंक्शन के अनुरूप दी गई है या उसके करेस्पॉन्डेंस में कह सकते दी गई है, करेस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन, करेस्पॉन्डिंग टू द, चाहे फंक्शन लिखे चाहे सीधे लिखे, करेस्पॉन्डिंग टू द वाई बराबर एफ ऑफ x, टोटल n प्लस वन पेयर ऑफ आर्गुमेंट और एंट्रीज दी गई है और ये सामने लिखी गई है, जिस वक्त x जीरो आर्गुमेंट होगा उस वक्त एंट्री y जीरो होगी, आर्गुमेंट x वन होगा एंट्री y वन होगी, इस तरीके से चलते हुए आर्गुमेंट x n होने पर एंट्री y n है, ये किसी फंक्शन के करेस्पॉन्डेंस में हमको दी गई है, यानी इस दिए गए फंक्शन में x जीरो पुट करने पर y जीरो मिलता है, x वन पुट करने पर y वन मिलता है, x n पुट करने पर y n मिलता है। ठीक, लेट रिक्वायर्ड फंक्शन fx, अब ये assumptions याद होना चाहिए, जिस वक्त हम लोग पहले चैप्टर में आगे बढ़े हुए थे तो कहा गया था कि अगर आपको टोटल n प्लस वन पेयर आर्गुमेंट और एंट्री के दिए जाते हैं तो आपका फंक्शन, एक assumptions माना जा सकता है कि आपका फंक्शन n डिग्री का पॉलिनोमियल बन सकता है, तो इसी assumptions पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। लिखना लेट रिक्वायर्ड फंक्शन माना जो फंक्शन हमें चाहिए उस फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेट रिक्वायर्ड फंक्शन fx can be written as माना जो फंक्शन fx हमें चाहिए उस फंक्शन को हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज अ पॉलिनोमियल of degree n as, और हम इसका एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि हम इसको मान के चल रहे हैं कि माना जब n प्लस वन पेयर दिए जाते हैं आर्गुमेंट और एंट्री के तो मेरा फंक्शन n डिग्री के पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये जिस पॉलिनोमियल को बना उस पॉलिनोमियल का एक फॉर्म हम लिख रहे हैं, माना फंक्शन हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू
ध्यान से देखना, ए जीरो और इसके आगे के हिस्से में x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू अप टू सो ऑन चलते हुए लास्ट में x माइनस एक्स एन। अगर इस पैकेट को देखें तो ये x1 यानी ये पहला टर्म है, ये दूसरा, इस तरह से a n वा, और इन जब इन सब का मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x इंटू x टोटल n बार मल्टीप्लाई होंगे, यानी यहां पर x टू दी पावर n का फैक्टर तैयार होगा। एक बार इसी तरीके से फिर आगे वाला हिस्सा मान रहे हैं, प्लस a1 इंटू फिर वही बात x माइनस x1, अगला हिस्सा इसी तरीके से हम लिखेंगे। यार एक चीज इसमें गड़बड़ी है, a1 है, इसको x जीरो से स्टार्ट करेंगे, और ये याद रखना कि इसको जब माना जाता है तो इस तरीके से इसको माना गया कि अगर ये a जीरो है तो गौर करो यहाँ से x माइनस x जीरो को गायब किया गया है, यहाँ a1 है तो यहाँ से x माइनस x1 को हटा करके बाकी सारे टर्म n टर्म जितने बच रहे हैं वो लिखे जाएंगे। अब x माइनस x जीरो है, x माइनस x1 को हटाना है तो अगला टर्म होगा x माइनस x2, इस तरीके से चलते हुए लास्ट का टर्म होगा x माइनस एक्स एन। अब ध्यान देना, अब अगर हम अगला लिखना चाहें, लिखना मत इसे, अगला जैसे हमने लिखा a2, तो a2 लिखा तो साफ बात है अब यहां से x माइनस x2 को हटा दिया जाएगा और बाकी सारे टर्म लिख दिए जाएंगे, और इस तरीके से चलते हुए जो लास्ट का टर्म लिखा जाता है प्लस अप टू सो ऑन डॉट 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 प्लस ए एन, और ए एन एक्स माइनस एक्स एन को हटा दिया जाएगा और बाकी सारे टर्म लिख दिए जाएंगे, तो ये होगा x माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, और यहां से चलते हुए लास्ट में होगा x माइनस एक्स एन माइनस वन। ये और इस पूरे को इक्वेशन नंबर वन नाम दे देना, इस पूरे को हम कह रहे हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। पहला टर्म देखा जाए तो टोटल n पैकेट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n का टर्म बनेगा, इन्हें देखा जाए तो x x x टोटल n टाइम्स मौजूद हैं तो ये भी x की पावर n का टर्म बनेगा, इसी हिसाब से हर एक पैकेट x टू दी पावर n का टर्म है, तो जब इस पूरे को ऐड किया जाएगा तो fx भी n डिग्री का एक पॉलीनोमियल बन जाएगा। अब हमारे सामने सवाल ये है कि हमें a0 a1 a2 an इनकी वैल्यू निकालनी है, अगर इनकी वैल्यू निकल जाए तो मेरा फंक्शन fx हमको मिल चुका है जो हमें चाहिए था n डिग्री के पॉलीनोमियल में, तो अगला काम है इनकी वैल्यू को निकालने का। पहले इतना नोट कर लो। अब निकालने के लिए तरीका सुना, निकालने का तरीका यह है कि अगर a0 की वैल्यू चाहिए तो a0 की वैल्यू चाहते वक्त हमें इन सब को थोड़ी देर के लिए हटा देना पड़ेगा, हटाने का मतलब ये सारे लोग जीरो हो जाए, तो गौर करो यहां x माइनस x जीरो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बाद जितने टर्म लिखे गए हैं सब में सबसे पहला फैक्टर अगर देखा जाए तो x माइनस x जीरो है, तो जिस दिन हम पूरे के पूरे इस दिए गए इक्वेशन नंबर वन में x is equal to x zero put कर देंगे, उस दिन यहां से ले करके ये पूरे के पूरे सारे टर्म कितने हो गए जीरो, और हमको यहां मिल जाएगा a zero into x zero minus x one x zero minus x two so on x zero minus x n, और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे हमको सीधे सीधे a zero की वैल्यू मिल चुकी है। शुरुआत करते हैं किसी से लिखना, put x is equal to x zero, put x is equal to x0 in equation 1, equation number 1 में x की जगह पर x0 put करते हैं तो ये मिलेगा fx is equal to, ध्यान देना वापस देखना x minus x0 के सारे टर्म इधर मौजूद हैं तो x बराबर x0 रखते ही पहले फैक्टर की वजह से सब टुकड़े जीरो हो जाएंगे, और यहां हमको केवल मिलेगा a0 within bracket x0 minus x1 within bracket x0 minus x2 up to so on चलते हुए x0 minus xn, यानी यहां से अगर देखा जाए तो this implies that a0 is equal to, a0 हमको मिलता है fx, अच्छा fx sorry x is equal to x0 put किया है तो f of x0 whole divided by इस पूरे हिस्से को नीचे से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है x0 minus x1, अगले हिस्से में इसी तरीके से x0 minus x2 so on चलते हुए लास्ट का पैकेट हमारे पास होगा x0 minus xn, और ये वैल्यू आती है a0 की, ये पहली वैल्यू निकल करके आई a0 की, नोट कर ले इसे।
इसी तरह से सेम कंडीशन तुम लोग लिखो चाहे ना लिखो, ऑलरेडी तुम लोगों की कॉपी में मौजूद है। हाँ, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग जरूर इसे पूरा कर लें। ध्यान देना, अब अगला काम हमारे पास होगा A1 की वैल्यू को निकालना। तो A1 की वैल्यू निकालने का मतलब है हमारे पास ये वाला फैक्टर बचा रह जाए और बाकी सारे फैक्टर जीरो हो जाए। अब ये कब होगा, यहाँ गौर करो, इसमें जो नदारद है वो बाकी हर जगह पर मौजूद होगा। अगर यहाँ देखें तो ये A1 का टर्म था और हमको पता है A1 के टर्म में x-x1 का फैक्टर नहीं मौजूद है, लेकिन x-x1 यहाँ और इसके बाद जितने टर्म है सब पर मौजूद है। तो एक बार रखे x=x0, अब की पुट किया जाएगा x=x1, x=x1 रखते ही ये फैक्टर और A1 के बाद वाले सारे फैक्टर जीरो हो जाएंगे, सिर्फ इतना हिस्सा आपके पास बच जाएगा। और इसी तरीके से अगली बार हम x=x1, x=x2, x=x3, xn रखते जाएंगे और लास्ट में हमको हर एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी को हम सिमिलरली लिखते रहेंगे, लिखना सिमिलरली पुटिंग x=x1, x2, up to so on, xn, we get, ठीक। पहले हम A1 को लिख दे रहे हैं, A1 का ध्यान दे रहा है, A1 कितना मिलेगा, A1=, एक बार हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, वैसे नकल तो हमको यहीं से मिल चुकी है कि A1 कितना आने वाला है। गौर करना, A1 x=x1 रख रहे हैं, ये पूरा फैक्टर खत्म और इसके आगे के सारे फैक्टर खत्म हो गए, और x=x1 रख दो यहाँ पर, तो कितना मिलेगा f(x1) a1=f(x1) a whole divided by ये x1-x0, x1-x2, x1-xn, x1-x0, x1-x2, so on चलते हुए x1-xn। अब नकल सुनना, नकल क्या है इसकी, अगर हमने a0 किया तो f(x0) मिला, A1 किया f(x1) मिला, तो A2 करेंगे तो f(x2) मिलेगा, A3 पर f(x3) मिलेगा, An पर f(xn) मिलेगा। ये बात तो तय हो गई, यानी अगर हम इन जनरल लिखें तो गौर करना, शो ऑन चलते हुए इस तरीके से An = लिखना सीखना f(xn) होल डिवाइडेड बाय, अब गौर, जिस वक्त हमने A0 को निकाला, A0 तो नीचे जितने लोग मौजूद थे वो x0 से घट रहे थे, यहां 0 तो x0, x0-x1, x0-x2, x0-xn, लेकिन कहीं भी x0-x0 नहीं आया, क्योंकि वो आता तो ये अनडिफाइंड फैक्टर लगता। तो इसका मतलब जिसको निकाल रहे हैं, जैसे a0 निकाल रहे हैं, तो सब जितने बचे हैं उनको x0 से घटा दिया जाएगा, सिवाय x0 को छोड़ करके। अब इसमें आप a1 निकाल रहे हैं तो गौर करो जितने बच रहे हैं किसको छोड़ करके, x1 को छोड़ के जितने बच रहे हैं उन सबको x1 से ही घटाया गया है। तो इसका मतलब जब an निकाल रहे हैं तो जितने बच रहे हैं खुद xn को छोड़ करके बाकी सबको xn से घटा देंगे, यानी xn-x0, xn-x1, इस तरीके से चलते हुए xn-xn-1। बस अगर हमने xn-xn किया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी। अगला काम होगा लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले को सिस्टमैटिक तरीके से लिख लेने का, बस उसे भी लिख लेते हैं। लिखना डियरफॉर या यूजिंग ऑल दीज इन वन कह सकते हैं, ठीक। अब हम सीधे लिख रहे हैं f(x) = अगर क्या हो तो f(x) = a1 × पूरे हिस्से, तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 देखो मेरे पास मौजूद नहीं है, a1 × होल फैक्टर। तो पहले हम a1 को लिख लेते हैं, तो a1 हमारे पास देखो कितना है, a1 हमारे पास था f(x1), a1 हमारे पास है f(x1) अपॉन दिस, यानी सबसे पहले a0 बनेगा, तो f(x0) अपॉन
फिर से लिखना सीखो, एफ ऑफ एक्स जीरो, तो जितने हैं वो सब एक्स जीरो से घटेंगे, एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, सो ऑन, एक्स जीरो माइनस एक्स एन। ये था। अच्छा, ए जीरो इंटू इधर वाला फैक्टर याद करो, ए जीरो इंटू इधर वाला जो फैक्टर था अगर उस पर गौर करो तो वो था x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, सो ऑन, x माइनस एक्स एन। उस बात को भी पूरा पूरा लिख दो यहां पर, तो इंटू x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, अप टू सो ऑन, x माइनस एक्स एन। ठीक, अगला हम एक और लिख रहे हैं प्लस, अभी हम इसको फिर पूरा सिस्टमेटिक कर देंगे एक जगह पर प्लस। अब की बार a1 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो a1 की वैल्यू देखना, f ऑफ x1 अपॉन, a1 निकाल रहे हैं तो सारे लोग x1 से घटेंगे, तो अपॉन x1 माइनस x0, इसके जस्ट बाद x1 माइनस x2 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, x1 माइनस xn। और फिर याद करो a1 था तो यहां पर जितने लोग मौजूद थे, a1 है तो जितने लोग हैं, सिर्फ x1 का फैक्टर नहीं होगा बाकी सब मौजूद होंगे, यानी यहां होता था x माइनस x0, अगला x माइनस x2, अप टू सो ऑन, x माइनस xn। और ये बातें ऐसे ही ऑनवर्ड चलती रहती थी, लास्ट में होता था सो ऑन, an वाला फैक्टर देखना, तो an का मतलब f ऑफ xn और अपॉन, आपकी जितने लोग हैं नीचे वो xn से घटेंगे, ये सामने लिखा हुआ है, xn माइनस x0, xn माइनस x1, इस तरीके से चलते हुए लास्ट में आएगा xn माइनस xn माइनस 1। और यहां का फैक्टर याद करो, यहां पर x माइनस x0, x माइनस x1 से लेकर के सो ऑन, x माइनस xn माइनस 1 तक आता था। लिख डालो इसे, और अब इसको हम पूरा एक बार सिस्टमेटिक कर देंगे, फाइनल फार्मूला बन जाएगा, यानी फाइनली मेरे पास आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, चाहे तो ये बात ना लिखना लेकिन नीचे वाली बात लिख लेना, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो, इस पूरे फैक्टर को इधर लेकर आओ, तो देखो क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है x माइनस x1, ठीक, अगला x माइनस x2, अप टू सो ऑन, लास्ट में x माइनस xn होल डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, अप टू सो ऑन, लास्ट में x0 माइनस xn, और यहां बगल में f ऑफ x0। इसी हिसाब से प्लस, अब एक काम करो, इसको पहले लिखो अपॉन दिस और f ऑफ x1 को बगल में कर दो, तो ये होगा x माइनस x0, x माइनस x2, ठीक, अप टू सो ऑन चलते हुए इंटू x माइनस xn होल डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाला हिस्सा, x1 माइनस x0, नकलिए ना ऊपर गौर करो, x1 गायब है, x1 का फैक्टर गायब है तो नीचे सारे लोग x1 से ही घट रहे हैं, ठीक, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, सो ऑन, x1 माइनस xn, और यहां पर आएगा f ऑफ x1, और इस तरीके से चलते हुए अप टू सो ऑन लास्ट का फैक्टर f ऑफ xn के लिए, यानी x माइनस x0 से लेकर के लास्ट में x माइनस xn माइनस 1 का टर्म, और अपॉन सारे घटेंगे xn से, xn माइनस x0 से लेकर के सो ऑन, xn माइनस 1। ये जो फैक्टर लिखा गया, अब ये पूरा का पूरा टर्म, इसी को कहा जाता है दैट द लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। यहां तक हम लोग पहले ही कर चुके थे, लेकिन जितने लोगों का ना हुआ हो उनके लिए ये बात है। इसमें लिख देना इसके आगे, जो लोग नहीं लिखे हैं उन्हीं के लिए है ये, जो लोग लिख चुके हैं उनके लिए कोई नहीं, वो लोग वीडियो के आगे बढ़ जाएं इसमें, और उसके सीधे न्यूमेरिकल वाले हिस्से से लिखना। दिस इज नोन एज, इसे जाना जाता है, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, लैग्रेंज इंटरपोलेशन
known as Lagrange interpolation formula. ठीक बात है, ये Lagrange interpolation formula जो होता है, ये जो हम लोगों ने न्यूटन्स का फार्मूला पढ़ा था उससे कहीं ज्यादा जनरल होता है, क्योंकि इसको हम लोग चाहे इक्वल इंटरवल हो चाहे अनइक्वल इंटरवल हो, हम इसको हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आगे चाहे तो वहां रिमार्क में लिख देना या नॉर्मली ऐसे लिख देना। इट इज मोर जनरल, ये अधिक व्यापक होता है, इट इज मोर जनरल, इट इज मोर जनरल दैट ऑफ न्यूटन्स, दैट ऑफ न्यूटन्स, न्यूटन्स के फार्मूले से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, दैट ऑफ न्यूटन्स, सिंस क्योंकि, सिंस बी कैन अप्लाई इट, सिंस बी कैन अप्लाई इट टू इक्वल और अनइक्वल, टू इक्वल और अनइक्वल, या लैंग्वेज थोड़ी सी में चेंज कर दे रहे हैं, वी कैन अप्लाई इट टू इक्वल और या इक्वल एज वेल एज अनइक्वल कर दिया जाए, टू इक्वल एज वेल एज अनइक्वल इंटरवल, एज वेल एज अनइक्वल इंटरवल, जिन लोगों को अगर इसको याद करने में दिक्कत हो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो, तो इसका एक और सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, चलो सिंपलेस्ट फॉर्म भी हम निकाल देते हैं, ऑलरेडी शायद हमको याद नहीं है, क्लास में भी शायद इनइक्वल फॉर्म में निकाला गया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला गया था, तो इसको फिर से और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जा रहे हैं। हालांकि मुश्किल ये भी नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में ये बैठाना है कि कौन सा फैक्टर किस हिसाब से चल रहा है, बस इतना ही। जैसे हम वापस दोहरा रहे हैं, अगर आप पहला टर्म निकालो, पहले टर्म का मतलब आप x0 के लिए काम करो, तो सबसे पहला काम तो ये करो ना, f of x0, f of x1, f of x2, f of xn लास्ट तक लगा दो, जैसे यहां छूट गया था, ये f of xn होगा, f of xn, इस तरीके से लास्ट तक पहले इनको लगा दो। अब सवाल उठा, जब ये बैठ गए तो देखना ये x0 के लिए टर्म है, तो ऊपर वाले हिस्से से x0 को गायब कर दो, बाकी सबको x से ही घटाना है, यहां भी x से ही घटाना है, यहां भी x से ही घटाना है, और सबके पास n n पैकेट हैं, तो पहला बना x माइनस एक्स वन, क्योंकि x जीरो के लिए काम करते हैं, तो x जीरो को यहां से गायब कर दिए, तो x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, सो ऑन, x माइनस एक्स एन। अब जिस x जीरो को गायब किए हैं उसी को नीचे लेकर के और बाकी सारे बचे लोगों को उसी x जीरो से घटा दो। सेम कंडीशन जब आप x1 के लिए कर रहे हो, तो ऊपर से x1 वाला फैक्टर गायब कर दो और नीचे जितने फैक्टर आ रहे हैं हर फैक्टर को x1 से ही घटाया जा रहा है, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस xn। जब लास्ट में आप xn का हिस्सा कर रहे हो, तो ऊपर से x माइनस xn का फैक्टर गायब कर दो और xn में से ही सारे लोगों को नीचे घटा करके फैक्टर तैयार कर दो। फिर भी इसमें दिक्कत है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखो कैसे होता है, जो ये दिया गया है इसी से शुरुआत करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म की, हेडिंग डाल देना चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म को देखते हैं किस हिसाब से ये निकाला जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए जहां से जो फैक्टर गायब है हम उसको वहां पर वापस ला रहे हैं, गौर करना, हम इसी से लिख रहे हैं f of x is equal to, ध्यान दो, x minus x1 है, x minus x2 है, x minus xn है, लेकिन x minus x0 का फैक्टर ऊपर मौजूद नहीं है, हम x minus x0 का फैक्टर ऊपर बना रहे हैं, ध्यान देना, पहले तो as it is यही लिख दो, x minus x1, x minus x2, so on चलते हुए x minus xn whole divided by नीचे वाला फैक्टर x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, अप टू सो ऑन x0 माइनस xn पूरा बचा, और जो फैक्टर नहीं है x माइनस x0 उसको शामिल करो, तो शामिल कैसे करें, बैलेंस करते हुए x माइनस x0 से मल्टीप्लाई और x माइनस x0 से डिवाइड, और यहां पर कौन बचा हुआ है, f ऑफ x0 बचा हुआ है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, अगला हिस्सा देखते हैं, प्लस इसमें जो फैक्टर नहीं है उसको शामिल करो, x
माइनस एक्स जीरो है लेकिन x माइनस एक्स वन मौजूद नहीं है, शामिल करते हैं उसको। देखना x माइनस एक्स जीरो पहले तो जो है उनको लिख देते हैं, x माइनस एक्स टू अप टू सो ऑन x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई नीचे वाले हिस्से x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, so on, x1 माइनस xn, और ऊपर जो फैक्टर नहीं था x माइनस x0 के बाद x माइनस x1 नहीं था उसको शामिल करते हैं। किस तरीके से x माइनस x1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और x माइनस x1 से फिर डिवाइड लगा दिया बराबर, और f ऑफ x1 इसको लिख दो। इस तरह से चलते हुए अब टू सो ऑन, अब देखना लास्ट का फैक्टर हम लिख रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, तय बात है लास्ट के फैक्टर में x माइनस xn ना रहा होगा तो उसको शामिल कर लेते हैं, यानी आखिरी में हमारे पास बचेगा प्लस। इस तरीके से चलते हुए सो ऑन, देखना x माइनस x0, x माइनस x1 अप टू सो ऑन x माइनस एक्स एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई नीचे था एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस वन, और ऊपर x माइनस एक्स एन का फैक्टर नहीं है तो x माइनस एक्स एन से मल्टीप्लाई किया और x माइनस एक्स एन से डिवाइड किया, यहां बैठा f ऑफ एक्स एन। अब एक चीज गौर करो, इस जितने टुकड़े लिखे गए हैं सारे टुकड़े में ऊपर वाले हिस्से कॉमन है, x माइनस एक्स वन या यहां शुरुआत करो x माइनस एक्स जीरो x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू x माइनस एक्स एन, मेरा इस पर आ x माइनस एक्स जीरो x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू x माइनस एक्स एन, ये भी मिला। अब देखना x माइनस एक्स जीरो x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स एन माइनस वन x माइनस एक्स एन, ये सारे कॉमन करके एफ एक्स के नीचे भेज दो तो इसका मतलब अपने को मिलता है दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन से लेकर के एक्स माइनस एक्स एन, ये ऑनवर्ड है अब तू इसी तरफ चलते हुए डॉट 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 डॉट, ठीक एक्स माइनस एक्स एन इज इक्वल टू उधर जो बचा है ना उनको बचा लेते, अब तो ऊपर वाली चीजें कॉमन करके नीचे भेज दी गई हैं तो ऊपर बचा एफ ऑफ एक्स जीरो। नकल देखना किस तरीके से होता है, एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन, सुनो जब लिखे f ऑफ x जीरो तो नीचे x में से x जीरो को घटा दो x माइनस एक्स जीरो और बाकी लोगों को x जीरो से घटा दो, मतलब जहां खत्म किए वहीं से घटाना शुरुआत किए, तो बाकी लोग हैं x जीरो माइनस एक्स वन, ठीक x जीरो माइनस एक्स टू अप टू सो ऑन x जीरो माइनस एक्स एन, ये रहा। इसी तरीके से फिर आगे वाला देखना ध्यान से, ये पूरा फैक्टर जितना तुमको ये नजर आ रहा है ये कॉमन करके नीचे भेज दिया गया है तो जो बचा उसको देखना प्लस f of x1, और दिमाग की नकल कहती है कि ऊपर x1 है ना तो x में से x1 को घटा दो यानी x माइनस x1, और जहां खत्म किए ना बाकी बचे लोगों को x1 से घटाना शुरू करो तो x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 अप टू सो ऑन x1 माइनस xn, ये हुआ। और इस तरीके से चलते हुए प्लस अप टू सो ऑन प्लस, अब लास्ट वाला फैक्टर f ऑफ xn आएगा, जगह मेरे पास कम पड़ गई फिर भी हम यहां लिख रहे हैं अप टू सो ऑन चलते चलते प्लस, ऊपर तो आया f ऑफ xn अब होल डिवाइडेड बाय xn है ना तो x में से xn को घटाओ और बाकी लोगों को xn से घटाओ तो इसका मतलब x माइनस xn यहां खत्म किए तो बाकी लोग xn से घटाए जाएंगे तो xn माइनस x0 xn माइनस x1 और ऑनवर्ड इस तरीके से चलते हुए अप टू सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1, ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये रहा सामने मौजूद। यहां से फिर न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं, हर न्यूमेरिकल में एक काम करना तुम लोग जो क्लास में करते थे, हम सारी कैलकुलेशन किए हुए हैं लेकिन फिर भी जैसे टेबल को भरते वक्त ना टेबल को भरते वक्त तो हो सकता है मेरी कैलकुलेशन कहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हो, पॉसिबिलिटी बनी रहती है क्योंकि इसकी जो डिजिट वगैरह होती है ना एक तो वैसे भी मतलब डिजिट वगैरह कैलकुलेटर से कर रहे हैं वैसे नॉर्मली भी कर रहे हैं तो गड़बड़ होने की गुंजाइश इसमें बची हुई, इसलिए चेक कर देना एक बार,
बाकी हम चेक किए हुए हैं, भरे लगभग लगभग सब सही है, लेकिन फिर भी 100% श्योर नहीं बोल सकते कि मेरा सब सही होगा। चलो न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है अप्लाई लैग्रेंज फॉर्मूला, अप्लाई लैग्रेंज, अप्लाई लैग्रेंज फॉर्मूला, लैग्रेंज के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए टू फाइंड एफ ऑफ फाइव, एफ ऑफ फाइव को निकालिए, टू फाइंड एफ ऑफ फाइव या एफ ऑफ फाइव निकालने के लिए लैग्रेंज के फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। अप्लाई लैग्रेंज फॉर्मूला टू फाइंड एफ ऑफ फाइव, और जो हमें दिया गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। गिवन दैट दिया गया है, गिवन दैट एफ ऑफ वन, मतलब जिस वक्त आर्गुमेंट वन होगा उस वक्त एंट्री दी गई है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू कॉमा एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर कॉमा एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एट, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एट, और एफ ऑफ फोर इसी तरीके से हमको दिया गया है, एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन, एंड लास्ट एफ ऑफ सेवन इज इक्वल टू 128, ये हमें दिया गया है। ठीक, एंड एक्सप्लेन, और फिर आगे न्यूमेरिकल में कह रहा है एंड एक्सप्लेन, और व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, बताइए व्हाई द रिजल्ट डिफर्स, व्हाई द रिजल्ट डिफर्स, व्हाई द रिजल्ट डिफर्स फ्रॉम 2 to the power 5। सुनो न्यूमेरिकल जो कह रहा है, न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान से देखते हैं। न्यूमेरिकल कहता है जिस वक्त यहां इनपुट जो होगा वो 1 होगा उस वक्त आउटपुट 2 होगा। अगर याद हो तो सबसे पहले इनपुट को अभी अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, पेयर क्या बनता था, x0 y0 x1 y1 सो ऑन चलते हुए xn yn। इसका मतलब अगर हम पहले पेयर को x0 is equal to 1 करें तो देखो हमको y0 कितना मिला, y0 is equal to 2 मिल रहा है। जिस वक्त हम x1 को देख रहे हैं, x1 is equal to कितना है 2, तो ऐसे किस्से में y1 is equal to कितना है 4, 4 का मतलब 2 की पावर 2 है। इसका मतलब जिस वक्त यहाँ पर x2 is equal to 3 है उस वक्त अगर गौर करो तो y2 is equal to 8, 8 का मतलब वही 2 की पावर 3, जितना अंदर है उतना ही 2 की पावर चढ़ रहा है, 2 दुनी 4 दुनी 8, और यहां देखना 2 की 4, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, और यहां 2 की पावर 7 दैट इज 128। इसका मतलब x3 is equal to 4 होने पर y3 is equal to अपने को 2 की पावर 4 दिया गया है, और x4 is equal to 7 होने पर y4 is equal to 2 की पावर 7 दिया गया है। ये मतलब जितने भी आ रहे हैं वो सब के सब अगर इस पर निगाह डालो तो ये 2 की पावर x के फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आप f of 5 निकालिए, साफ सुथरी बात पता चलती है, f of 4 f of 7 के बीच में f of 5 बैठा, और जो f of 5 बैठा है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 की पावर 5 आना चाहिए, यानी 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32, हां 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32, आंसर तो इसका 32 आना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं आप लैग्रेंज के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए निकालिए, और साथ ही साथ इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों होगा कि आपका रिजल्ट 2 की पावर 5 से अलग आ रहा है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट 32 नहीं आ सकता। कोई गलती से भी ये नहीं करेगा कि ऐसे न्यूमेरिकल दिखाई दे तो इससे कोई हिंट मिले तुरंत चट से 2 की पावर 5 लगा दो ना, क्योंकि अगर जिस दिन इतना हिस्सा गायब कर दिया जाता है, गौर करो इतना हिस्सा अगर हम इसका गायब कर दें न्यूमेरिकल का, तो तुम लोगों को यही लगेगा एफ ऑफ वन सॉरी एफ ऑफ एक्स जीरो 2 की पावर 0, ये 2 की पावर एक्स 0, एफ ऑफ एक्स 1 2 की पावर एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2 2 की पावर एक्स 2, सब उसी हिसाब से चल रहा है। तो कोई इसको देख करके तुरंत लिख देता कि 2 की पावर 5, तो उस दिन ये आंसर गलत हो जाता। अभी चूंकि आगे बढ़ा दिया है एक्सप्लेन व्हाई दिस रिजल्ट डिफर फ्रॉम 2 की पावर 5, इसलिए आपको एक नकल मिल गई है कि ये रिजल्ट 2 की पावर 5 होने वाला नहीं है, इसी चीज का इसमें ख्याल रखना है।
चलो शुरुआत करते हैं, लैग्रेंज के फार्मूले से इसको निकालते हैं और चेक करते हैं क्या वास्तविकता में आंसर 2 की पावर 5 से डिफर आएगा, और डिफर आएगा तो सोचना पड़ेगा क्यों ये डिफरेंस पैदा हो रहा है। ये हम मिटा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल तुम लोग लिख चुके होंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम तो अपना वही होगा टेबल बनाना, क्योंकि बिना टेबल बनाए तो अपना कुछ हला भला होने वाला है नहीं। सॉल्यूशन में एक काम ये करो, आर्गुमेंट और एंट्री सजा करके लिख लो कितनी दी गई है कितनी मिल रही है। इधर हम लिख दे रहे हैं आर्गुमेंट x, इधर हम एंट्री लिख दे रहे हैं f ऑफ x। आर्गुमेंट अगर गौर करो तो 1 से शुरुआत हुई है, 1 का मतलब x 0 1 आपको दिया गया है, तो ये मिल रहा है आपको 2 की पावर 1 मिल रहा है, यानी केवल और केवल 2 कर दे रहे हैं। इसके बाद जो हमको आर्गुमेंट दिया गया है वो 2 दिया गया है, 2 पर हमको 4 मिल रहा है यानी इसको लिख दो 2 की पावर 2, 3 पर देखो हमें 8 मिल रहा है हम उसको 2 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अगला वाला 4 दिया गया है तो इसको लिख देना 2 की पावर 4, और इसके बाद मेरे ख्याल से 2 की पावर 7 दिया गया है, 7 पर 2 की पावर 7 ये हमको दिया गया है, ठीक। इसको x0 कह दो, इसको x1 x2 x3 x4 कह दो, इस पर यहीं पर लिख देना हियर x0 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू 4 और x4 इज इक्वल टू 7 लिख दो इसे। चलो लैग्रेंज का फार्मूला लिख करके काम आगे बढ़ाते हैं, इसे लैग्रेंज के फार्मूले में बारी बारी पुट करेंगे और जो चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं। लिखना लैग्रेंज का फार्मूला लिखते हैं, सिंपलेस्ट फार्मूला हम लिख रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर याद हो तुम लोगों को तो अब ये भी लिखा गया था f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय नीचे का पूरा हिस्सा x माइनस x जीरो x माइनस x वन x माइनस xn तक गया हुआ था, तो हम लोग चलेंगे x माइनस x जीरो मतलब x माइनस वन। अगला हिस्सा हम लोगों का होता है x माइनस x1 यानी x माइनस 2, अगला हिस्सा x माइनस x2 यानी x माइनस 3, x माइनस x3 यानी x माइनस 4, x माइनस x4 यानी x माइनस 7, ये हो गया f ऑफ x अपॉन का हिस्सा। आओ बगल वाले हिस्से पर, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x0, गौर करना x0 ये, इसको हम यहां पर भी लिखते रहे ऐसे x0 x1 x2 x3 x4, गलती ना करना बस खाली इसमें। f of x0, f of x0 का मतलब ये 2 दिया गया है, ठीक, इसको हम सीधे यहां पर लिख दे रहे हैं 2 डिवाइडेड बाय, अगर याद हो तो f of x0 तो नीचे x minus x0 लिखा जाता था, लिखना इसको x minus x0 इसका मतलब x minus 1 ये फैक्टर, और जहां खत्म किए थे सारे लोग अभी इसी से घटाए जाएंगे, तो चलो सारे लोग 1 से ही घटाने हैं, तो लिखना x0 minus x1, x1 कितना है 2, हम फार्मूला बोलते जा रहे हैं तुम लोग कॉपी से चाहे फार्मूला देखते रहो, ठीक। अगले हिस्से में x0 minus x2 यानी 1 minus 3, x0 minus x3 यानी 1 minus 4, ठीक, इसी तरीके से 1 minus 7 कर देना लास्ट में 1 minus 7, ये रहा x0 upon this। अगले करो, अगला होता था f of, ये तो f of x0 होता था, अगला होता था f of x1 upon तो प्लस f of x1, आओ f of x1 देखते हैं, f of x0 f of x1 2 की पावर 2 that is equal to 4 होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे अगर ऊपर f of x1 है तो पहले x minus x1 कर लेना और फिर सबको x1 से घटाओ, तो इसका मतलब ये टुकड़ा होता है x minus x1, आओ x1 देखते हैं कितना 2, ये रहा।
x माइनस टू के बाद अब सारे लोगों को इसी 2 से घटाना है, तो बचा कौन कौन, ये बचा, सारे लोगों को 2 से घटाना है तो 1 बचा 2 को छोड़ करके, तो इसका मतलब 2 माइनस 1, अगला 2 माइनस 2 नहीं, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7, ये हो गया f ऑफ x0, फिर देखना प्लस f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, और f ऑफ x2 देखते हैं, f ऑफ x2 का मतलब 3 पर 2 की पावर 3 यानी 8 अपॉन f ऑफ x2 है ना, तो x माइनस x2 करो, लो x माइनस x2 चेक करो कितना 3, ठीक, और बाकी सारे लोगों को इसी 3 से घटाओ सिर्फ 3 को खुद को छोड़ करके, तो कितना होगा x माइनस, सॉरी उल्टा लिख रहा है, 3 माइनस ये होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7, ये रहा प्लस अगला हिस्सा f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, तो f ऑफ x3, f ऑफ x3 की तरफ बढ़ो 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 अपॉन, ठीक, पहले x में से इसी को घटा दो x माइनस 4, अब बाकी सारे लोगों को इस 4 से घटाओ तो कितना होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, अगला हिस्सा 4 माइनस 3, अगला 4 माइनस 7, ठीक, एक और बचा, हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं 2 की पावर 7 दैट इज इक्वल टू 128 वाला हिस्सा, तो प्लस 128 बटे, ठीक, x माइनस 7, ये खुद इसी को घटा दो x माइनस x4 को, तो x माइनस 7 और बाकी सारे लोगों को 7 से घटाओ, तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, और कोई बचा नहीं, 7 माइनस 7 तो होगा नहीं क्योंकि x माइनस 7 कर ही दिए हैं, लिख दो इसे पूरा पूरा, ये कैलकुलेशन इसका भारी काम है, इसीलिए कैलकुलेटर पे उंगली तेज चलनी चाहिए। चलो कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, जो हमें चाहिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, नकल देखो, नकल ये है कि हमसे कहा गया है कि जो हमें निकालना है, न्यूमेरिकल की तरफ पलट करके देखो, न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है हमें f ऑफ 5 को कैलकुलेट करना है, ठीक, हमें ये निकालना है f ऑफ 5, मतलब जहां जहां अननोन x है उसकी जगह कितना भर दें, 5, गौर करना, 5 भरते ही f ऑफ 5 अपॉन ये सब कुछ बनेगा, सब एक तरफ कर देंगे तो हमको f ऑफ 5 की वैल्यू मिल जाएगी, तो पूरे में उठा करके x इज इक्वल टू 5 कर दो, लिखना पुट x इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 5, और हम मिटाएंगे, तुम लोग इसे लिख चुके होगे, हम ऊपर का हिस्सा मिटा रहे हैं केवल, चलो x की जगह पर 5 रखो और देखो कितना आता है, पुट x इज इक्वल टू 5, चेक करना f ऑफ 5 अपॉन, दिमाग चलाना 5 रखते हैं, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 2 3 इंटू 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1, और 5 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, तो इसको ब्रैकेट में छोड़ देना माइनस 2, ये रहा बगल वाले हिस्से पर शिफ्ट हो, यानी दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 माइनस 1 4, 5 माइनस सॉरी 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 7 माइनस 6, ये रहा इस तरीके से लिखो, ठीक, अगला इसी प्रकार लिखना प्लस 4 अपॉन, अगले वाले हिस्से पर आते हैं, अगले वाले हिस्से में जब 4 अपॉन करेंगे तो 5 रखना है ना, तो 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 1 1, ये तो सही है, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 7 माइनस 5, ठीक, ये रहा, अब ये भी आते हैं प्लस 8 अपॉन, 8 अपॉन 5 माइनस 3 2 इंटू 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, ठीक, 3 माइनस 4
माइनस वन, थ्री माइनस सेवन, ठीक चार तीन सात, माइनस फोर, एट के साथ 16 और 128 के साथ और लिख दो, प्लस 16 अपॉन 5 रख रहे हैं, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 1 3, ठीक 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 7 माइनस 3, ठीक प्लस 128 अपॉन 5 माइनस 7 माइनस 2, ठीक 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 4 3, ये और सब जितना हो सके काट पीट मचाओ, जो कट सकता है काटो और पूरे को सॉल्व करके f ऑफ 5 की वैल्यू को फाइंड आउट करो। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखना 4 3 12 12 2 24, 24 2 48, वो भी माइनस के साथ, यानी f ऑफ 5 अपॉन माइनस 48 इज इक्वल टू, इधर वाले हिस्से में आओ, जो कटता पिटता है उसे पहले ही उड़ा देते हैं। सबसे पहले तो इस 2 के साथ ये 2 उड़ा दिया, अब देखना माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 6 3 18, ठीक और 18 6 72, ये हो गया 1 अपॉन 72। अगले पर आते हैं, अगले पर गौर करना, जो कटते पिटते हैं उनको पहले उड़ाते हैं। 2 1 के 2 2 2 4, ये कट गया, ऊपर 2 बचा रहेगा, ठीक साइन चेक करते हैं, माइनस 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 3 बार, यानी माइनस का साइन 2 अपॉन जो नीचे आ रहा है उसको देखना, 5 3 15, तो इसका मतलब 2 अपॉन 15, ये रहा। इधर देखना 2 2 4, ठीक तो इधर से 4 1 के 4 4 2 8, ये उड़ गया, और 2 1 के 2 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 के साथ, तो प्लस 1 अपॉन 2। इन पर 2 1 के 2 2 8 16, मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं कटने वाला, 3 3 9, 8 अपॉन 9, वो भी साइन रहेगा माइनस के साथ, माइनस 8 अपॉन 9। अगले पर आते 128, जो उड़ सकता है उसको पहले उड़ा दो, ठीक तो इसको अगर कैंसिल आउट किया जाए तो पहले 128 को 2 से उड़ा देते हैं, ठीक 2 6 12 2 4 8, इधर से ये 2 उड़ गया, साइन तो माइनस का रहेगा ही रहेगा, ठीक 64 आया, इसको उड़ाते हैं। चलो देखना 4 से काट देते हैं, तो ये बनेगा अपने पास 4 1 के 4 6 6 4 16, इधर से और कुछ कटेगा, ये तो 4 से काट दिया, उसके बाद फिर कुछ गलत हुआ क्या मेरे ख्याल से, ये रुको 2 3 6 2 8 16, ठीक इधर से और ऊपर तो 8 बच रहा है, अब कुछ नहीं कटने वाला, बस यही फाइनल है, ठीक 8 अपॉन 5 3 15 15 3 45, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 अपॉन 45, लिख देना काट पीट करके 8 अपॉन 45। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू, ठीक इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास टोटल आ रहा है यार 48 इंटू माइनस कॉमन करके ये माइनस भी उड़ा दे रहे हैं, 48 इंटू 247 होल डिवाइडेड बाय 360, ये तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना। मेरे पास जो इसकी कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है दिस इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करने पर काट पीट मचाने पर ये आ रहा है 494 होल डिवाइडेड बाय 15 एंड दिस इज इक्वल टू 15 से, अब इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड कर रहे हैं तो मिल रहा है 32.93। हम पहले बता रहे हैं हम ये कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं, हम उसी चीज को लिख रहे हैं, ठीक ये कोई छिपाने की बात नहीं, हम ये कैलकुलेशन यहां करेंगे तो वीडियो तो गई काम से, तो इसीलिए तुम लोग इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना, ठीक क्योंकि हम इसको खुद से किए हुए हैं, जाने पता कहां पर सही कहां पर गलत हो गया, कभी कभी दिमाग भटक जाता है इससे। ये 32.93 आ रहा है, अब सोचो अगर हम
जो हमें न्यूमेरिकल दिया गया था उस हिसाब से करते हैं, तो एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू हमको मिलना चाहिए था 2 की पावर 5, यानी 2 × 4 × 8 × 16 × 32, एग्जैक्टली आंसर 32 होना चाहिए था, लेकिन हमको मिल कितना रहा है 32.93। इसी को पूछ रहा है कि आप ये एक्सप्लेन कीजिए क्यों आपका आंसर इससे 32 से डिफरेंट आ रहा है। इतना लिख के बताते हैं, इसका लॉजिक समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ध्यान नहीं देते इस चीज के ऊपर। जब हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला कर रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में, या कह सकते हो कि एक एजम्पशन मान करके हम लोग वहां पर चलते हैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले में, कि अगर आपको टोटल एन प्लस वन पेयर दिए गए हैं आर्गुमेंट के और एंट्रीज के, अगर आपको इनके टोटल एन प्लस वन पेयर दिए गए हैं तो आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स आएगा वो एन डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। एन डिग्री का पॉलिनोमियल, इसमें ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। एजम्पशंस ये है कि लैग्रेंज में अगर एन प्लस वन आर्गुमेंट और पेयर की एंट्री दी गई है, सॉरी आपको पेयर दिया गया है आर्गुमेंट और एंट्रीज का, तो ये n प्लस वन पेयर पर आपका जो पॉलिनोमियल तैयार हुआ वो n डिग्री का होगा। और हमको पता है अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल का केवल 2 बार ही डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तीसरी बार भी ये 0 हो जाएगा। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे x टू दी पावर 4 है, तो x की पावर 4 है तो पहली बार डिफरेंशिएट होगा 4x की 3 बनेगा, अगली बार होगा 4 × 12 x² बनेगा, अगली बार होगा 12 × 24 x बनेगा, अगली बार बनेगा तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन उसके बाद ये 0 हो जाएगा। यानी 4 के बाद अगर इसको 5वीं बार करते हैं तो ये पूरी चीज क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो अपने किस्से में देखो, अपने किस्से में जब आपको x0 दिया, x1 दिया, x2 दिया, x3 दिया और x4 दिया, तो इसका मतलब आपको टोटल 5 पेयर दिया आर्गुमेंट और एंट्री के, और जब आपको आर्गुमेंट और एंट्री के 5 पेयर मिल रहे हैं तो इसका मतलब लैग्रेंज से सॉल्व करने के दौरान ये बात तो ऑलरेडी मानी जा चुकी है कि आपका आने वाला आंसर या आपका आने वाला फंक्शन एफएक्स 4 डिग्री का पॉलिनोमियल करेगा। और गौर करना, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल केवल 4 बार डिफरेंशिएट हो सकता है, 5वीं बार उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी डिफरेंशिएट करने पर। जबकि जब आप इनको देख रहे थे, अभी जो एंट्री दी जा रही थी वो एंट्री थी 2 की पावर x के फॉर्म की, और 2 की पावर x के फॉर्म का चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे डिफरेंस निकालो, जो डेल्टा डिफरेंस, फॉरवर्ड डेल्टा डिफरेंस हम लोग निकालते थे, ठीक, अगर हम इसका डेल्टा डिफरेंस निकालते हैं तो हम इसका एन बार भी निकालते हैं ना, तब भी ये 0 होने वाला नहीं है। जबकि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का अगर हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालें या डिफरेंस निकालने की शुरुआत करें, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें, तो हर एक किस्से में चाहे को डिफरेंशिएशन निकालें, डिफरेंशिएशन निकालने पर भी ये 0 होगा। अगर आप डिफरेंस निकालने के लिए आगे बढ़ते हो तो डिफरेंस निकालने पर भी ये 5वीं बार में 0 हो जाएगा, जबकि आपका जो ओरिजिनल 2 की पावर x है ये कभी भी 0 होने वाला नहीं है। बस यही एक गड़बड़ी है जो आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो एंट्रीज आ रही है वो 2 की पावर x टाइप की आ रही है, जिसका 4, 5, 6, 7, 10 बार भी आप डिफरेंस निकालोगे तो 0 होने वाला नहीं है। जबकि आप जब लैग्रेंज से इसको सॉल्व करते हो तो आप एजम्पशंस मान चुके हो कि अगर आपको 5 एंट्री दी गई है तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, और 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का 5वीं बार जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना होगा, 0। दो अलग अलग चीजें मिल रही हैं, इसीलिए आपके आंसर भी डिफरेंट आ रहे हैं। लिख देना इस बात को, शुरुआत करते हैं। लैंग्वेज में लिखना, रिजल्ट डिफर फ्रॉम 2 की पावर 5, जो मेरा रिजल्ट आया हुआ है वो डिफरेंट है, डिफर्स कर देना, रिजल्ट डिफर्स फ्रॉम 2 to the power 5। इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इंटरपोलेशन फार्मूला आपको पॉलिनोमियल में पटक रहा है और आपका फॉर्म तो 2 की पावर x का तैयार हो रहा है। डिफर्स फ्रॉम 2 की पावर 5 बिकॉज द इंटरपोलेट वैल्यू, बिकॉज
the interpolate value because the interpolated values arise सामने आती हैं, पैदा होती हैं, arise due to the assumptions ये कह रहे हैं कि जो आपकी interpolated values सामने आ रही हैं वो उस assumptions के कारण आ रही हैं, जो assumptions कहता है कि 5 entries देने पर 4 degree का polynomial बनेगा। उस assumption से आपने f of 5 को निकाला और जबकि आपका जो entries आ रही थी वो 2 की power x के term में आ रही थी। आप 4 degree का polynomial निकालते हो तो 4 बार difference तो बचेगा लेकिन 5वीं बार का उसका difference 0 हो जाएगा, और जबकि 2 की power x के साथ आप n times n plus 1 times करते रहोगे वो उसका difference 0 होने वाला नहीं है। यही एक मेन दिक्कत फंस रही है। Values arise due to the assumptions that f of x or 2 की power x ठीक is a polynomial of fourth degree ठीक क्यों है? क्योंकि आपको 5 वैल्यू दी गई है, लिख देना since five values are given ब्रैकेट क्लोज कर देना ठीक so that fifth and higher order difference ठीक वैनिश जीरो हो जाता है या खत्म हो जाता है वैनिश while in fact nth टाइम डिफरेंस ऑफ 2 की पावर x जो आपका nth टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस होता है किसका 2 की पावर x का वो वही 2 की पावर x ही बना रहता है ये चेंज होने वाला नहीं है ठीक and difference of any order does not vanish किसी भी ऑर्डर पे आप डिफरेंस ले लीजिए 10 20 50 किसी पर भी ले लीजिए वो कभी भी जीरो होने वाला नहीं है difference of any order does not vanish ये रहा लिख लो इसे अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में कहा गया है if ux is a rational function और दिमाग में धीमे-धीमे ये नकल बैठाने की आप कोशिश करना कि मतलब न्यूमेरिकल को किस तरीके से पकड़ा जाता है उसकी लैंग्वेज को कैसे अपने अकॉर्डिंग ढाला जाता है। ये कह रहे हैं ux is a rational function तो ठीक है हम लोग फंक्शन को fx कहते हैं इसका मतलब आज हमको fx के प्लेस पर कितना रखा मिल गया ux रखा हुआ मिला है जो यहां आर्गुमेंट है वही यहां नीचे लगाया गया है इफ ux इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ द सेकंड डिग्री फिर वापस सुनना सेकंड डिग्री कह रहा है तो अगर आपको सेकंड डिग्री मिल रहा है आप लैग्रेंज इंटरपोलेशन को दिमाग में रखो तो आपको सेकंड डिग्री का फंक्शन उसी दिन मिल सकता है जिस दिन आपको टोटल 3 x0 x1 x2 ये तीन एंट्री दी जाए सॉरी तीन आर्गुमेंट दिए जाएं और तीन आर्गुमेंट के करेस्पोंडेंस में आपको तीन एंट्रीज मिलेंगी इसको हम ऐसे लिखते हैं y0 y1 y2 अगर आपको तीन एंट्री दी गई है तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन पड़ेगा वो कुल कई डिग्री का पॉलीनोमियल बनेगा 2 डिग्री का पॉलीनोमियल बनेगा
ux is a rational function of the second degree, then prove that ux का differentiation at x is equal to 0 पर ये सामने लिखा गया टर्म आएगा, एक बार। दूसरी बार, and hence evaluate this, इस हिस्से को evaluate कीजिए। नकल सुनना क्या है? नकल ये है कि अगर इसको देखो तो ये कुछ कुछ Lagrange interpolation formula के जैसा मिलता है, something upon something f of x0, something upon something f of x1, something upon something f of x2। तो ठीक, हम भी यही मान करके चलते हैं। देखो f of x तो ux माना, इसका मतलब ये कौन है ua, ये कौन ub, ये कौन uc। तो हम मान लेते हैं x0 is equal to a, x1 is equal to b और x2 is equal to c। तो ऐसे केस में हमको यहां से मिल जाता है y0 is equal to ua, y1 is equal to ub, y2 is equal to uc। बस यही मान करके चलेंगे और हम Lagrange interpolation फार्मूले से इसे सॉल्व कर देंगे। चलो शुरुआत करते हैं। लिखना सॉल्यूशन, लेट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू यू एक्स। माना जो फंक्शन f ऑफ x दिया गया है वो यू एक्स है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम मान सकते हैं f ऑफ x जीरो, f ऑफ x जीरो इज इक्वल टू पहला वाला मान लेते हैं यू ए। इसी तरीके से f ऑफ x वन इज इक्वल टू यू बी और f of x2 is equal to u c। ठीक, अब इतना मान लिया है तो यहां से एक बात और साफ हो चुकी है कि x0 is equal to a, क्योंकि f of x is equal to u x, तो x0 is equal to a, x1 is equal to b, x1 is equal to b और x2 is equal to c। ये रहा। अब यहीं पर सीधे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल कर दो। लिखना, नाउ बाय यूज ऑफ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, नाउ बाय यूज ऑफ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला चलो फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूले का इस्तेमाल करें तो f ऑफ x अपॉन, अब मेरे हिसाब से फार्मूला सब लोगों को याद होना चाहिए, और फिर भी अगर ना याद हो रहा हो तो फिर से वापस कॉपी में देख करके लिखना। अब हम सीधे लिखते हैं f of x अपॉन, नीचे सारे फैक्टर होते थे, ठीक, सारे x में से घटाए गए होते थे, तो इसका मतलब f of x अपॉन ux अपॉन नीचे x माइनस x जीरो, x माइनस x वन, x माइनस x टू, तो इसका मतलब यहां पर मौजूद होगा x माइनस x जीरो, ये रहा। अगला x माइनस x वन, अगला x माइनस x2, ये मौजूद है, ठीक। इसके बाद वाला टर्म इज इक्वल टू f ऑफ x0, f ऑफ x0 का मतलब ua, ua अपॉन x0 था तो नीचे x माइनस x0 होता था, तो x माइनस x0 उसको, अच्छा x माइनस x0 का मतलब x माइनस a, और बाकी सारे लोग x0 से घटते थे, तो इसका मतलब यहां पर a माइनस b और a माइनस c, ये मौजूद रहा अपने पास। इसी तरफ से प्लस f of x1 यानी कि ub अपॉन x minus x1 यानी x minus b, और सारे लोग b से घटाए गए हैं, इसका मतलब b minus c और b minus a, ये रहा अपने पास। और लास्ट वाला, ये सीक्वेंस मत गड़बड़ाना, सीक्वेंस में ऐसे ही लिख रहे हैं बस, खाली b minus a, b minus c, बात तो वही है कि सारे लोग b से ही घट रहे हैं। प्लस f of x0, f of x1, f of x2, तो इसका मतलब uc अपॉन x माइनस c, और सारे लोग c में से घटेंगे तो ये बनेगा c माइनस a और c माइनस b। लिख डालो फटाफट। इसका मतलब इस पूरी बात को अगर लिखा जाए तो आप एक काम करो, ux को अकेला करो और इन लोगों को उधर भेजो, तो हमारे पास मौजूद होगा this implies that ux, ठीक, ux को अकेला करना है, this implies that ux is equal to ये ua,
ठीक, और इनटू ये तीन लोग उधर जा रहे हैं, लेकिन सोचना ये तीन लोग उधर जाएंगे तो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट, ऊपर केवल अपने पास बचेगा x माइनस बी इनटू x माइनस सी होल डिवाइडेड बाय, नीचे x माइनस ए कैंसिल आउट हो चुका है तो यहाँ आया a माइनस बी और इधर वाला आया a माइनस सी, ये बचा अपने पास, ठीक। प्लस फिर गौर करना, इससे उसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचता है यू बी इंटू x माइनस ए एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, और नीचे जो बचा उसे लिख देते हैं, x माइनस बी तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो b माइनस ए बी माइनस सी, बी माइनस ए बी माइनस सी, ठीक। अगले वाले में जाते हैं, प्लस यू सी इंटू अगले में x माइनस सी, एक्स माइनस सी कैंसिल आउट, x माइनस ए एक्स माइनस बी बचा, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी और होल डिवाइडेड बाई, नीचे जो बच रहा है वो है सी माइनस ए सी माइनस बी, सी माइनस ए सी माइनस बी, लिख दो फटाफट। और चूंकि ये तीन फैक्टर काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए अब ना एक काम करेंगे, ये हम समेशन के फॉर्म में चलेंगे, और जैसा पहला टर्म है उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी के टर्म बाद में ओपन करके लिख देंगे। अभी हम काम केवल पहले के लिए करेंगे और आगे समेशन बैठा देंगे। माने जाएगा समेशन है तो यू ए यू बी यू सी तीन टर्म खुलेंगे, तो जब मर्जी हम तीनों टर्म पूरे फैला करके वापस लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतना लंबा है कि इसको बार बार लिखने पे ना केवल केवल बस एक कंसंट्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। शुरुआत करते हैं, फिर हम इस पूरी चीज को समेशन पर ले आना चाह रहे हैं, देखना समेशन पर कैसे होगा। और अथवा यू एक्स इज इक्वल, अब सुन इन दो टर्म के लिए काम नहीं करेंगे, ये दोनों टर्म डिटो पहले की तरह ही एक सीक्वेंस में लिख दिए जाएंगे, तो हम सब पर समेशन बैठा दे रहे हैं, ये पूरा समेशन, और काम केवल पहले टर्म के लिए करो। पहले टर्म के लिए अगर काम किया जाए तो गौर करो बाहर कौन है, यू है, अंदर का हिस्सा हम लिख रहे हैं ब्रैकेट का, ध्यान देना x into x x square, ठीक, माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स, माइनस को कॉमन करो, माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स, माइनस को कॉमन करें तो माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स, तो इसका मतलब माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स, ये हुआ, और माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी, तो प्लस बी इंटू सी ये रहा, और अपान में ये टुकड़ा मौजूद रहेगा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए माइनस सी, ए माइनस बी ए माइनस सी, और जो बचा वो लास्ट में यहां पर यू ए। कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन इसको समेशन को पूरा ओपन करेंगे तो गौर करो इधर से अगले वाले टर्म में कॉर्नर पर यू ए की जगह यू बी बैठेगा, एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बैठेगा, माइनस बाहर आएगा ए प्लस सी, और बाहर कौन होगा एक्स, सोचो यहां कौन, बी प्लस सी, अगले में ए प्लस सी, तो अगले में ए प्लस बी बैठेगा, ये रहा। तो जब मर्जी इसे ओपन करके लिख दिया जाएगा, अभी की तारीख में चुके काफी लंबी हो जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही फैक्टर हम लिख रहे हैं और इसी पर काम करते जाएंगे, लास्ट में ये दोनों फैक्टर भी ओपन कर दिए जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं, अब अपना काम है डिफ्रेंसिएशन करना, ठीक। दियल डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ यू एक्स इज इक्वल, इस समेशन से कंफ्यूज मत होना, समेशन का मतलब आपको तीन टुकड़े दिए गए हैं, अब इसी आपको ये पहला टुकड़ा है, इसी पहले टुकड़े को आपको डिफरेंशिएट करना है, गौर करो a माइनस बी a माइनस सी कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, समेशन आज भी बाहर बैठा है क्योंकि ये समेशन तीन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंदर के हिस्से में अपने पास आएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस बी प्लस सी, ये हिस्सा होगा, ठीक, और होल डिवाइडेड बाई, ये दोनों हिस्से एज इट इज बरकरार रहेंगे, a माइनस बी और a माइनस सी, ये अपने पास मौजूद, चाहो तो ऊपर वाले को इस तरह मछली ब्रैकेट में कर दो, और बाहर जो पड़ा है वो है यू के, लिख देना। लेकिन हमें जो डिफरेंशिएशन चाहिए वो एट x इज इक्वल टू जीरो पर चाहिए, तो मेरा अगला काम होगा इसमें x इज इक्वल टू जीरो पुट कर देना, लिखना दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ यू एक्स एट x इज इक्वल टू जीरो, चल x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं,
तो x is equal to 0 पुट करते ही this is equal to summation, x is equal to 0 करते ही ये मामला खत्म हुआ, आपने पास सिर्फ बचा minus b plus c u a whole divided by a minus b और a minus c, ये रहा ठीक पहला। इसी तरीके से बाकी के दो टुकड़े आएंगे, वो समेशन हटते ही आ जाएगा ठीक। अब और इसमें एक माइनस साइन अलग से आ रहा है, और जबकि हमें ऐसा माइनस साइन नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन कहीं ना कहीं पर बैलेंस होगा। जब पहला फैक्टर प्रूफ करना है उस पहले फैक्टर की तरफ अगर निगाह डालो तो उस पहले फैक्टर में यहाँ नीचे a माइनस सी नहीं बल्कि c माइनस a रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ से एक माइनस कॉमन करके इस माइनस को उड़ा दिया जाए, और सेम कंडीशन इसी तरह बाकी के दो फैक्टर में भी माइनस कॉमन होकर के उड़ेंगे। तो आंसर देखो और वही तीनों टुकड़े यहाँ पर सामने देखो, यानी दिस इज इक्वल टू, हम इसके लिए लिख रहे हैं माइनस को कॉमन किया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ऊपर जो बच रहा है वो हमारे पास है बी प्लस सी यू ए डिवाइडेड बाय नीचे के हिस्से a माइनस बी, और वहां से माइनस कॉमन है तो c माइनस ए, ये रहा। और इसी तरह न्यूमेरिकल को देख करके बाकी के दो टुकड़े लिख सकते हो, जिनको दिक्कत लगे वो पूरा समेशन वगैरह ना लगा के सीधे सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि हम उतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं इसलिए हम ये समेशन लगा दिए हैं। तो अगला हिस्सा है न्यूमेरिकल का c प्लस ए, यहाँ पर b प्लस सी तो अगला कौन, c प्लस ए तो अगला कौन, a प्लस बी, तो c प्लस ए यू बी होल डिवाइडेड बाई, ये था a माइनस बी c माइनस ए, तो अगला हिस्सा जो होगा वो होगा b माइनस सी और a माइनस बी, ये रहा। और इसी तरह से अगला हिस्सा a प्लस बी यू सी, a प्लस बी यू सी होल डिवाइडेड बाई c माइनस ए, और अगला हिस्सा b माइनस सी, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर वन कहते हैं। ये पहला रिजल्ट हमारा आ चुका है, दैट्स द TDX ऑफ UX एट x इज इक्वल टू 0, पहला रिजल्ट जो कहा गया था वो मिल चुका है। दूसरे रिजल्ट की तरफ अगर निगाह दबाएं तो जो प्रूफ करना है उसकी तरफ देखते हैं। सेकेंड रिजल्ट में हमसे कहा हुआ है कि हेंस इवेल्युएट, लिखना मत इसे, हम फिर से लिख रहे हैं, कह रहे हैं हेंस इवेल्युएट समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कह रहे हैं। इसका मतलब समेशन लगा तो वहीं फिर तीन टुकड़े खुले होंगे, तो तीन टुकड़े का मतलब अच्छा आओ वापस लौटते हैं यहां पहले वाले हिस्से में जहां हम लोग समेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। फाइनल स्टेज पर तो हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, और यहां तक पहुंचने के बाद अगर नकल देखी जाए तो नकल हमारे पास बस एक ही चीज सामने आती है, ये यू ए ठीक, और अब डिमांड किसकी है ए स्क्वायर की, ये बी प्लस सी है, यहां पर मौजूद है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी को देख करके हमको चीजें सोचनी पड़ेंगी। और सोचना क्या, समझ में तो ये आता है कि अगर हमें यहां ए स्क्वायर चाहिए इसका किस हमने डील कर रहे हैं, ये बी माइनस सी है, कहीं ना कहीं ये b प्लस सी, अगर कहीं b माइनस सी आ जाएगा ना तो a माइनस बी ए प्लस सी बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम ला देंगे। लेकिन पहले इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ a स्क्वायर है यहाँ यू ए है, तो हम एक दिमाग में नकल बैठाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यू ए इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर, तो इसका मतलब यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब यू सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही आइडिया हमको देता है कि हम एक एजम्पशन मान सकते हैं कि चलो फंक्शन को ही बदल देते हैं, फंक्शन को हम ये कहते हैं ux is equal to x square, ये मान लेते हैं और यहीं से हम शुरुआत करते हैं लिखना। If we take if we take ux is equal to x square, अगर आपने कहीं पर ux is equal to x square मान लिया तो तुरंत आपको तीन चीजें मिल जाएंगी, then जहां आपका ua है वो आपका a square बन जाएगा, ub b square बन जाएगा,
और यू सी सी स्क्वायर बन जाएगा, ये तीन चीजें मिलेंगी। ठीक, अब इक्वेशन नंबर वन ये सामने सजा हुआ है, इसी इक्वेशन नंबर वन से हम देखते हैं। लिखना फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, बस जहां वो खत्म हुआ पहला न्यूमेरिकल वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। इक्वेशन वन से देखना, बोलो यू एक्स का डिफरेंशिएशन, यू एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, टू एक्स, तो इसका मतलब यहां पर आया टू एक्स, लेकिन किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, इज इक्वल टू, इसमें सजा दो सारी चीजें, इसमें सजाएंगे तो बी प्लस सी मौजूद, यू ए की जगह पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई, ये दोनों टुकड़े नीचे लगा दो, ए माइनस बी सी माइनस ए, इसी हिसाब से अगले वाले में जाते हैं, तो प्लस यू बी की जगह पर बी स्क्वायर सी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, ठीक, ए माइनस बी, इसी तरह अगले हिस्से में प्लस यू सी की जगह पर सी स्क्वायर ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई सी माइनस ए और बी माइनस सी। नकल कहती है हमको ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चाहिए, और बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में तब बदलेगा जब यही मल्टीप्लाई हो जाए बी माइनस सी का, लेकिन वो तो यहाँ और यहाँ पड़ा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके हम ऊपर बी माइनस सी को ला सकते हैं। चल वो भी देखते हैं, अगला काम ये करो पूरे इक्वेशन में a माइनस बी, ठीक, b माइनस सी और c माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, जब पूरे में इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो देखो ये तो हो गया जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट जीरो इज इक्वल टू, अब गौर करना a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a माइनस बी c माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, अपने पास बचता है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, अब ये में देखना प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब की बार कौन कटेगा, बी माइनस सी और ए माइनस बी, तो सी माइनस ए आएगा, मतलब जो है उसका जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा, सी प्लस ए के साथ आ रहा है सी माइनस ए, तो इसमें सीधे लिख देते हैं सी स्क्वायर ए प्लस बी के साथ आएगा ए माइनस बी, ये रहा। इसकी वैल्यू को हमें इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और जिनके दिमाग चल रहे हों इसकी वैल्यू आ चुकी है जीरो। This implies that, अब पहले इनको लिख लेते हैं सही सलामत, तो ये अपने पास है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसी को उन्होंने समेट करके लिखा है समेशन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है जीरो आंसर। अभी के लिए इतना ही, फिर अभी वीडियो कल देंगे उसमें इसके आगे से फिर शुरुआत करते हैं।